हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी तरफ से सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज गाजर का खीर बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए हमको थोड़ा सा ग्रेटिंग करके रखा हुआ गाजर, दूध, घी, शुगर, बहुत कम इलायची पाउडर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। चलो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने इधर दो बर्तन रखा हुआ है। एक में हम दूध गर्म कर देंगे, दूसरे में हम गाजर को थोड़ा फ्राई कर देंगे। मैंने बर्तन का अंदर 250 ml का दूध लिया हुआ है। और उसका अंदर 3 tablespoons शुगर डाल देती हूँ। अभी टेस्ट करके देखने के बाद हम बाकी ऐड कर देंगे। अभी मैंने मीडियम फ्लेम में रखती हूँ दूध, तो तब तक हम कढ़ाई का अंदर 2 tablespoons, 1 tablespoon, मेरे पास गाजर बहुत कम है इसलिए 1 tablespoon घी। पैन पहले से गर्म करके रखने के लिए रखा था, तो इसका अंदर मैंने गाजर, 1 बाउल गाजर लिया हुआ है, ग्रेटेड है। अभी हम थोड़ा अच्छी तरह उसको रोस्ट कर देंगे। मेरे बड़े फ्लेम है इसलिए अभी मैं बर्तन चेंज कर रही हूँ, छोटे फ्लेम में रखती हूँ क्योंकि बर्तन का साइड जल रहा है इसलिए। दूसरा बर्तन में ये शिफ्ट करती हूं। अभी ये तो 3-4 मिनट तक हमको करना पड़ता है। कैरेट का कच्चापन निकालने के लिए हम घी में फ्राई करते हैं। अगर किसी को पसंद है तो डायरेक्ट दूध का अंदर डाल भी सकते हैं। ये बहुत इजी और आसान तरीके से फ्रेश गाजर लेने के लिए कोशिश करना तो खीर उतना बढ़िया रहेगा। कर लेती हूँ। आपको चाहिए तो दूध इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, मैं तो दूध का अंदर ये डालती हूं। अभी गाजर में शुगर पकड़ने तक हम चलाते रहेंगे।
मीडियम फ्लेम में ही रखकर करना। क्वांटिटी के हिसाब से टाइम में भी फर्क पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी हो तो ज्यादा टाइम लगता है, कम क्वांटिटी हो तो जल्दी हो जाता है। हम गाजर पकने के बाद उसका अंदर मैंने मिल्क मेड यूज करती हूँ, कंडेंस मिल्क एक टेबलस्पून, ये ऑप्शन ले, आपको चाहिए हो तो ही डाल देना, नहीं हो तो उसके जगह पे पूरा शुगर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे बनाने के बीच में दूध कम हो गया तो थोड़ा दूध और गरम कर कर रख लेना और उसका अंदर डाल देना। ठंडा दूध डाला तो हमको फिर से गरम होने तक वेट करना पड़ेगा। बराबर है, भी मैंने फ्लेम फुल फ्लेम में रखकर 2-3 मिनट तक चला लेती हूँ। अभी मैंने यही पैन का अंदर थोड़ा सा घी में हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर कर ले लेंगे। ऐसे ही डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ा घी में फ्राई किया हो तो ज्यादा टेस्टी रहेगा, ये भी ऑप्शन है। मैंने थोड़ा काजू और बादाम और किशमिश लिया हुआ है। देख हमारा खीर तैयार हो गया, गैस बंद कर लेती हूँ। बस ये ड्राई फ्रूट डालने का काम बाकी है। मैं बहुत उसका कलर चेंज करने करती हूँ, उसका अंदर डाल देती। अभी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं खीर रेडी हो गया। फिर हमारा मनपसंद जैसा कोई भी सर्विंग प्लेट में या डिश में हम निकाल कर ठंडा भी पी सकते हैं, गरम भी पी सकते हैं। ठंडा हो तो ज्यादा टेस्ट रहेगा।